आपने बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा होगा जो अपनी ड्राइंग को रेफरेंस इमेज से बिल्कुल मैच करा देते हैं, बट क्या आपको पता है ऐसा होता कैसे? वैसे तो पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे मेथड हो, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्रिड मेथड के बारे में। ग्रिड मेथड को समझने के लिए हम बेसिकली तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड मेथड होता क्या है, और सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने इमेज के ऊपर ग्रिड को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम ये जानेंगे कि पेपर के ऊपर हमको ग्रिड किस तरह से बनाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं ग्रिड मेथड होता क्या है। मान लीजिए मुझे इस इमेज को पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसका हेयर आएगा, यहाँ पे इसके आईज आएंगे, यहाँ पे नोज आएगा। बट अगर हम इसको इसी तरह से ड्रॉ करें तो हो सकता है कि ये परफेक्ट ड्रॉ ना हो, क्योंकि हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी कि हम ऑब्जर्व करके इमेज को अच्छे से पेपर के ऊपर ड्रॉ कर पाए। बट यहीं पे काम आसान हो जाता है जब आप इसको ग्रिड में डिवाइड करते हैं। जैसे हम इस इमेज को और पेपर को दो भाग में बांट दें तो ये पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा, और इसी तरह अगर हम इसे चार भाग में बांट दें तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस होता है ग्रिड मेथड का, जहाँ पे एक इमेज को बहुत सारे भागों में बांटा जाता है और पेपर को भी बहुत सारे टुकड़ों में बांटा जाए। टुकड़ों से मेरा मतलब ये नहीं उसको काटा जाता, बस उसके ऊपर ग्रिड को अप्लाई किया जाता है, तब उसको हम इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। एक एक बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके जिस बॉक्स में जो भी पार्ट आते हैं हम उसको वहां पे ड्रॉ कर पाते हैं। ग्रिड मेथड को अगर हम एक लाइन में समझे तो जब किसी इमेज को कई बॉक्स में बांट कर सेम उसी तरह से बॉक्स बनाकर स्केच किया जाता है तो उसे ग्रिड मेथड कहते हैं। ओके, तो आप बात करते हैं कि इमेज के ऊपर ग्रिड कैसे बनाएं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका नाम है ग्रिड फॉर ड्रॉइंग। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने इमेज को सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद आपको उसकी साइज को सही करना। यहाँ पे आप साइज के ऊपर क्लिक करके इसके साइज को क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे A4 साइज में क्रॉप कर रहा हूँ इसको। देन उसके बाद आपको ग्रिड पे क्लिक करना है। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रिड शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्रिड्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिड्स को जब भी अप्लाई करता हूँ तो ऐसे जूम आउट करके जरूर देखता हूँ कि ग्रिड बाहर तो नहीं जा रहा है, तो भी ग्रिड इमेज के बाहर जा रहा है, मतलब वो पेपर के बाहर जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि आप कितने ग्रिड इस पे रखते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादातर 14 सेलेक्ट करके रखता हूँ, जिससे मेरे पेपर के ऊपर 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर का बॉक्स बनता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पेपर के ऊपर ग्रिड कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको एक लाइट पेंसिल लिया, लाइक HB या फिर मैकेनिकल पेंसिल। देन उसके बाद आपको स्केल की हेल्प से नंबरिंग करते जाना है। मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, जितना कि मैंने इमेज के ऊपर ग्रिड बनाया था। आप वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ग्रिड बनाते समय एक बात का ध्यान दें, जब भी आप ग्रिड बना रहे हैं, जिस भी साइड से आप स्टार्ट किए हैं ग्रिड बनाना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, तो सेम इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी करना है। ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग करते आना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इसका सेकेंड पार्ट जरूर अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।